नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस द लास्ट किंग मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोड्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस द लास्ट किंग मूवी के ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस द लास्ट किंग मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस द लास्ट किंग मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोड्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड्स, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि जब टूटने लगे तो हौसले याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। दूसरा मोटिवेशनल कोड्स, साहिल पे पूछने से इनकार किसे हैं लेकिन, कि साहिल पे पूछने से इनकार किसे हैं लेकिन, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है, कि उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। क्रिस्टोफर ह्यूज़ की साल 2024 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2016 में रिलीज़ हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूज़ के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम, मैग्निफिशेंट रेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेर ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड
लेड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आइकॉन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डेड ऑफ द पर्सन इज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गेट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट पर्स्यूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी ए एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरीथिंग गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3 star इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour of so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it usually Yes, you are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American but not a Nordic culture 13th century time period also some of the women dialogue sounded a little too and soap opera and example being the former queen Margaret and daughter Kristen talking to there is the bedroom our acting cry to good think about without tears and film industry accuracy on and good soap opera and good feeling and good think about portable the cross country skill was pretty cool and could be historical correct scenes is does that back of the good 4000 BC of 1600 years ago the costume very kind of cool the screenplay was good the film night disaster and 4 star if it did not have that awful American English which we have to blame on the Norwegian director Neil Skope all the and good think about and good in historical medical and good of the TV and good of board enjoy and nobody really does especially and emotional over and good overdubbed and a con barkery of the sometimes and a downside and good worldwide and historical and medieval and good think about Bangalore of the good and something and baby rightful game I play of Xbox overall budget is the good many levels the weakness try of their are actor organization nobody and thing something like that of the good movie for maybe rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3 star and seems in
एंड हैव टू आई एक्सप्रेशन लोल इज द गुड बट मैनुअली एंड इपिक सोर थ्रो ओप्ड रिकमांडेड एंड गुड गोट विदाउट बजट द स्टोरी लाइन एंड गुड एनीथिंग लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन आई फील लाइक दे आर कम बैक ऑफ द गुड सी आई कुड नॉट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट कंसिडर यू दैट सोल्ड एज बी लॉन्गर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher is who must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the set in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड ब्रश्ड ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डेड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोनोर बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विथ हेल्प फ्रॉम वारियस लोयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हव ए कौन फॉर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी ए एंड ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेडिवल
वेल टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द टू ईयर्स ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्डरोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट ए स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नैलिड इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर थ्री एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस थ्री स्टार इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस वॉच सीम्स टू बी ट्राई टू कैश इज ऑन द सक्सेस ऑफ वीकनेस एंड गोट विदाउट द बजट और स्टोरी लाइन दैट इज एनीथिंग लेस देन ऑब्वियस नाइस टू सी सम वेल न्यू एक्टर फ्रॉम ड्यूज सीरीज आई फील लाइक दे हैव कम डाउन ए बिट इन द वर्ल्ड आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग लेस टू वॉच लास्ट नाइट सो इज प्लेड एन हावर ऑफ सो वैन आई वेंट टू बैड ईयरली विथ ए सोर थ्रू आउट बट आई वुड रिकमांडेड इट यूजलेस यू आर बिट बोर्ड एंड डज हैंड ऑफ द आई एक्सप्रेशन ऑफ द गुड थिंक अबाउट कंसीडरेशन रिव्यू दैट सोल्ड द बी लॉन्गर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्टर सीम टू हैव बीन पिक्ड राइट ऑफ द मैन एस टी यू एस एम एन अमेरिकन एक्सटेंट मे बी ग्रेट इवन परफेक्ट टू बी ए गैंगस्टर मूवी ए वेस्टर्न एंड वारियस अदर अमेरिकन शिटिंग बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th सेंचुरी टाइम पीरियड ऑल्सो सम ऑफ द वूमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ऑक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फीलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 बीसी ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड फोर स्टार इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील्स गोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड historical medical and good of the TV and good of board enjoy and nobody really does especially and emotional over and good overdubbed and a con barkery of the sometimes and a downside and good worldwide and historical and medieval and good think about Bangalore of the good and something and baby rightful game I play of Xbox overall budget is the good many levels the weakness try of there are actor organization nobody and think something like that of the good movie for maybe rightful another epic and historical and good something like of the many levels I have every three star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher is who must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the in the middle as in the mindset of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie
साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूज़ के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म है, जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट रेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेर ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन बिफोर अदर क्लेम्स टू ब्रिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबोर्ड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लोयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी ए एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्सबॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नोबॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 actors आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3 stars इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस वार
सीम्स टू बी ट्राई टू कैश इज ऑन द सक्सेस ऑफ वीकनेस एंड गोट विदाउट द बजट और स्टोरी लाइन दैट इज एनीथिंग लेस देन ऑब्वियस नाइस टू सी सम वेल न्यू एक्टर फ्रॉम ड्यूज सीरीज आई फील लाइक दे हैव कम डाउन ए बिट इन द वर्ल्ड आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग लेस टू वॉच लास्ट नाइट सो इज प्लेड एन हावर ऑफ सो वैन आई वेंट टू बैड ईयरली विथ ए सोर थ्रू आउट बट आई वुड रिकमांडेड इट यूजलेस यू आर बिट बोर्ड एंड डज हैंड ऑफ द आई एक्सप्रेशन ऑफ द गुड थिंक अबाउट कंसीडेशन रिव्यू दैट सोल्ड द बी लॉन्गर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्ट्रेस सीम टू हैव बीन पिक्ड राइट ऑफ द मैन एस टी यू एस एम एन अमेरिकन एक्सटेंट मे बी ग्रेट इवन परफेक्ट टू बी ए गैंगस्टर मूवी ए वेस्टर्न एंड वारियस अदर अमेरिकन शिटिंग बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th century टाइम पीरियड आल्सो सम ऑफ द वूमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ऑक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फीलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 BC ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड 4-star इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील स्कोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टी वी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड है कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गैम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नो बॉडी एंड टिंग समथिंग लाइक that of the good movie for baby rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3-star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher is who must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the set in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो यार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं,
क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वरेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेर ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड ब्रश्ड ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आय कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सन इज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोनोर बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इंकिंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी ए एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 actors आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3 stars इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour of so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it useless you are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actual history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American shitting but
बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th सेंचुरी टाइम पीरियड आल्सो सम ऑफ द वुमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ओक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फीलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 BC ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड 4-star इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील स्गोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टीवी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड है कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गैम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नो बॉडी एंड टिंग समथिंग लाइक that of the good movie for baby rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3-star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher Izu must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी
थी, आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वरेचिंग ओनली डिसमोंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड ब्रश्ड ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डेड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोनोर बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हव ए कौन फॉर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेडियट टैल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द टू ईयर्स ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड आल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर थ्री एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस थ्री स्टार इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious and nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour of so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it useless You are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American shitting but not a Nordic culture 13th century time period also some of the women dialogue sounded a little too and soap opera and example being the former queen Margaret and daughter Kristen talking to there is the bedroom our acting cry to good think about without tears and film industry accuracy all and good soap opera and good feeling and good think about portable the cross country skill was pretty cool and could be historical correct scenes is does that back of the good 4000 BC of 1600 years ago the costume very kind of cool the screenplay was good the film night disaster and 4 star if it did not have that awful American English which we have to blame on the Norwegian director Nils Gop all the and good think about and good
हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टीवी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड है कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडुअल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइट फुल गेम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिगोनाइजेशन है नो बॉडी एंड थिंग समथिंग लाइक that of the good movie for baby rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3-star and seems in and have two eye expression lol is the good but manually and epic sore throw order recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher is who must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the set in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म है, जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट रेचिंग ओनली डिसमोंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आय कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोनोर बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल्वर इन किंग एंड गुड स्टोनवेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न
नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परस्यूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी ए एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्सबॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नोबडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 actors आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3 stars इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस This was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious. Nice to see some well new actor from those series. I feel like they have come down a bit in the world. I could not find anything less to watch last night. So is played an hour or so when I went to bed early with a sore throughout, but I would recommend it usually. Yes, you are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actual history. The biggest negative is the language. The actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American sitting but not a Nordic culture 13th century time period also some of the women dialogue sounded a little too and soap opera and example being the former queen Margaret and daughter Kristen talking to there is the bedroom our acting cry to good think about without tears and film industry accuracy on and good soap opera and good feeling and good think about portable the cross country skill was pretty cool and cool be historical correct scenes is does that back of the good 4000 BC of 1600 years ago the costume very kind of cool the screenplay was good the film night disaster and 4 stars if it did not have that awful American English which we have to blame on the Norwegian director Nils Gopalda and good think about and good in historical medical and good of the TV and good of board enjoy and nobody really does especially and emotional over and good overdubbed and a con barkery of the sometimes and downside and good worldwide and historical and medieval and good think about Bangalore of the good and something and baby rightful game I play of Xbox overall budget is the good many levels the weakness try of their are actor organization nobody and thing something like that of the good movie for maybe rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3 stars and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw of the recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consideration you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative
इंटरव्यू इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्ट्रेस सीम टू हैव ऑफ द एन अमेरिकन एंड गुड एग्जाम्पल फॉर दिस गुड अमेरिकन इंग्लिश एंड नॉर्वे ऑफ द आई हैव एवरी थिंक अबाउट टाइम पीरियड एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव 12th फरवरी एंड गुड द लास्ट किंग टू आरियर जेकब ऑप्टो एंड क्रिस्टोफर जू मस्ट प्रोटेक्ट द लास्ट रिमेनिंग एंड गुड थ्रोन एंड गुड सिविल वार रेनिंग एंड गुड द लास्ट किंग इज एक्शन एडवेंचरी ड्रामा हिस्ट्री मूवी डायरेक्टर बाय नील ऑफ द सेट इन द मिडल एज इन द माइंड सेट ऑफ ग्रेट सिविल वार ए मोनरेच इज द गुड वैन ए मोनरोच इज द मर्डरेड टू ऑफ द लॉयल सोल्जर्स मस्ट एस्केप विद द इन्फेंट ऑफ द गुड एंड बेसिड अपॉन ऑफ द नॉर्वे सिविल वार वैन द गुड मोनिस्टर एंड लॉयल सोल्जर्स फॉर दिस मूवी। साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वेचिंग ओनली डिसमोंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड ब्रश्ड ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डेड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोनोर बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फॉर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड स्नो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवरडबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवरडब्ड फिल्म विच आर नॉट
स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर थ्री एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस थ्री स्टार इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस वॉच सीम्स टू बी ट्राई टू कैश इज ऑन द सक्सेस ऑफ वीकनेस एंड गोट विदाउट द बजट और स्टोरी लाइन दैट इज एनीथिंग लेस देन ऑब्वियस नाइस टू सी सम वेल न्यू एक्टर फ्रॉम ड्यूज सीरीज आई फील लाइक दे हैव कम डाउन ए बिट इन द वर्ल्ड आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग लेस टू वॉच लास्ट नाइट सो इज प्लेड एन हावर ऑफ सो वैन आई वेंट टू बैड ईयरली विथ ए सोर थ्रू आउट बट आई वुड रिकमांडेड इट यूजलेस यू आर बिट बोर्ड एंड डज हैंड ऑफ द आई एक्सप्रेशन ऑफ द गुड थिंक अबाउट कंसीडेशन रिव्यू दैट सोल्ड द बी लॉन्गर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्ट्रेस सीम टू हैव बीन पिक्ड राइट ऑफ द मैन एस टी यू एस एम एन अमेरिकन एक्सटेंट मे बी ग्रेट इवन परफेक्ट टू बी ए गैंगस्टर मूवी ए वेस्टर्न एंड वारियस अदर अमेरिकन शिटिंग बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th सेंचुरी टाइम पीरियड आल्सो सम ऑफ द वुमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ऑक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फीलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 BC ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड फोर स्टार इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील स्गोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टीवी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड ए कॉन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गेम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नो बॉडी एंड थिंग समथिंग लाइक that of the good movie for maybe rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every three star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher is who must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the in the middle as in the mindset of great civil war a monarch is the good when a monroach is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूज़ के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म है, जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो
तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करे तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी, और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.1 है, और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट रेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबोर्ड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड स्नो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्सबॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल्ड इट नोबॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 actors आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3 stars इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस वॉज सीम्स टू बी ट्राई टू कैश इज ऑन द सक्सेस ऑफ वीकनेस एंड गोट विदाउट द बजट और स्टोरी लाइन दैट इज एनीथिंग लेस देन ऑब्वियस नाइस टू सी सम वेल न्यू एक्टर फ्रॉम ड्यूज सीरीज आई फील लाइक दे हैव कम डाउन ए बिट इन द वर्ल्ड आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग लेस टू वॉच लास्ट नाइट सो इज प्लेड एन हावर ऑफ सो वैन आई वेंट टू बैड इयरली विथ ए सोर थ्रू आउट बट आई वुड रिकमांडेड इट यूज less you
यू आर बिट बोर्ड एंड डज हैंड ऑफ द आई एक्सप्रेशन ऑफ द गुड थिंक अबाउट कंसीडेशन रिव्यू दैट सोल्ड द बी लॉन्गर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्ट्रेस सीम टू हैव बीन पिक्ड राइट ऑफ द मैन एस टी यू एस एम एन अमेरिकन एक्सटेंट मे बी ग्रेट इवन परफेक्ट टू बी ए गैंगस्टर मूवी ए वेस्टर्न एंड वारियस अदर अमेरिकन शिटिंग बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th सेंचुरी टाइम पीरियड ऑल्सो सम ऑफ द वूमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ऑक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फीलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 BC ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड 4-star इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील्स गोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टी वी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड है कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गेम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नो बॉडी एंड थिंग समथिंग लाइक that of the good movie for baby rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3-star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are combined of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher Izu must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the set in the middle as in the mindset of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म है, जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया
वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वरेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेर ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड ब्रश्ड ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गेट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन और बिफोर अदर क्लेम्स टू ब्रिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इंकिंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबोंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विथ हेल्प फ्रॉम वारियस लोयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हव ए कौन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी ए एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3-star इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour of so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it useless you are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American shitting but not a Nordic culture 13th century time period also some of the women dialogue sounded a little too and soap opera and example being the former queen Margaret and daughter Kristen talking to there is the bedroom our acting cry to good think about without tears and film industry accuracy on and good soap opera and good feeling and good think about portable the cross country skill was pretty cool and could be historical correct scenes does that back of the good 4000 BC of 1600 years ago the costume very kind of cool the screenplay was good the film night disaster and 4-star if it did not have that awful American English which we have to blame on the Norwegian director Nils Gop all the and good think about and good
हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टीवी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड है कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गेम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नो बॉडी एंड थिंग समथिंग like that of the good movie for maybe rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3-star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw of the recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher is who must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the set in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गेट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल्वर इन किंग एंड गुड स्टोनवेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न और
नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबाउंड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द टू ईयर्स ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड स्नो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्सबॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नोबडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर थ्री एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रीसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस थ्री स्टार इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour or so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it usually Yes, you are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American sitting but not a Nordic culture 13th century time period also some of the women dialogue sounded a little too and soap opera and example being the former Queen Margaret and daughter Kristen talking to there is the bedroom our acting cry to good think about without tears and film industry accuracy on and good soap opera and good feeling and good think about portable the cross country skill was pretty cool and could be historical correct scenes is does that back of the good 4000 BC of 1600 years ago the costume very kind of cool the screenplay was good the film night disaster and four star if it did not have that awful American English which we have to blame on the Norwegian director Nils Gop all the and good think about and good in historical medical and good of the TV and good of board enjoy and nobody really does especially an emotional over and good overdubbed and a con barkery of the sometimes and a downside and good worldwide and historical and medieval and good think about Bangalore of the good and something and baby rightful game I play of Xbox overall budget is the good many levels the weakness try of their are actor organization nobody and thing something like that of the good movie for baby rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every three star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative
क्यू इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्ट्रेस सीम टू हैव ऑफ द एन अमेरिकन एंड गुड एग्जाम्पल फॉर दिस गुड अमेरिकन इंग्लिश एंड नॉर्वे ऑफ द आई हैव एवरी थिंक अबाउट टाइम पीरियड एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव 12th फरवरी एंड गुड द लास्ट किंग टू वॉरियर जेकब ऑप्टो एंड क्रिस्टोफर जू मस्ट प्रोटेक्ट द लास्ट रिमेनिंग एंड गुड थ्रोन एंड गुड सिविल वार रेनिंग एंड गुड द लास्ट किंग इज एक्शन एडवेंचरी ड्रामा हिस्ट्री मूवी डायरेक्टर बाय नील ऑफ द सेट इन द मिडिल एज इन द माइंड सेट ऑफ ग्रेट सिविल वार ए मोनरेच इज द गुड वैन ए मोनरोच इज द मर्डरेड टू ऑफ द लॉयल सोल्जर्स मस्ट एस्केप विद द इन्फेंट ऑफ द गुड एंड बेस्ड अपॉन ऑफ द नॉर्वे सिविल वार वैन द गुड मोनस्टर एंड लॉयल सोल्जर्स फॉर दिस मूवी। साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट रेचिंग ओनली डिसमोंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आइकॉन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डिड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गेट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन और बिफोर अदर क्लेम्स टू बिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवॉल्वर इंकिंग एंड गुड स्टोनवेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट परिशूट इज द माउंटेन स्नोबोर्ड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विद हेल्प फ्रॉम वारियस लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हैव ए कॉन फोर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेज टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड सनो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट
स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर थ्री एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस थ्री स्टार इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस वॉच सीम्स टू बी ट्राई टू कैश इज ऑन द सक्सेस ऑफ वीकनेस एंड गोट विदाउट द बजट और स्टोरी लाइन दैट इज एनीथिंग लेस देन ऑब्वियस नाइस टू सी सम वेल न्यू एक्टर फ्रॉम ड्यूज सीरीज आई फील लाइक दे हैव कम डाउन ए बिट इन द वर्ल्ड आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग लेस टू वॉच लास्ट नाइट सो इज प्लेड एन हावर ऑफ सो वैन आई वेंट टू बैड ईयरली विथ ए सोर थ्रू आउट बट आई वुड रिकमांडेड इट यूजलेस यू आर बिट बोर्ड एंड डज हैंड ऑफ द आई एक्सप्रेशन ऑफ द गुड थिंक अबाउट कंसीडेशन रिव्यू दैट सोल्ड द बी लोंगर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्टर सीम टू हैव बीन पिक्ड राइट ऑफ द मैन एस टी यू एस एम एन अमेरिकन एक्सटेंट मे बी ग्रेट इवन परफेक्ट टू बी ए गैंगस्टर मूवी ए वेस्टर्न एंड वारियस अदर अमेरिकन शिटिंग बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th century टाइम पीरियड आल्सो सम ऑफ द वुमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ओक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फिलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 BC ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड फोर स्टार इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील्स गोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टी वी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड ए कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडुअल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गैम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नो बॉडी एंड टिंग समथिंग लाइक that of the good movie for baby rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every three star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opted recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consideration you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king two warrior Jacob Otto and Christopher Izu must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर यूजू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो
तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट वेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डेड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन और बिफोर अदर क्लेम्स टू ब्रिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवॉल्वर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट पुरशूट इज द माउंटेन स्नोबोर्ड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विथ हेल्प फ्रॉम वारियस लोयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हव ए कॉन फॉर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेडियट टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द 2 years ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड ऑल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड स्नो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर 3 actors आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस 3 stars इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour of so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it useless you
आर बिट बोर्ड एंड डज हैंड ऑफ द आई एक्सप्रेशन ऑफ द गुड थिंक अबाउट कंसीडेशन रिव्यू दैट सोल्ड द बी लोंगर द लास्ट किंग कैन बी एंजॉयबल ड्यू टू द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली हिस्ट्री द बिगेस्ट नेगेटिव इज द लैंग्वेज द एक्टर एंड एक्ट्रेस सीम टू हैव बीन पिक्ड राइट ऑफ द मैन एस टी यू एस ए एन अमेरिकन एक्सटेंट मे बी ग्रेट इवन परफेक्ट टू बी ए गैंगस्टर मूवी ए वेस्टर्न एंड वारियस अदर अमेरिकन शिटिंग बट नॉट ए नॉर्डिक कल्चर 13th सेंचुरी टाइम पीरियड आल्सो सम ऑफ द वूमेन डायलॉग साउंडेड ए लिटिल टू एंड सोप ओपेरा एंड एग्जाम्पल बींग द फॉर्मर क्यून मार्गरेट एंड डॉटर क्रिस्टन टॉकिंग टू देर इज द बेडरूम आवर एक्टिंग क्राई टू गुड थिंक अबाउट विदाउट टीयर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री ओक्यूरेसी ऑन एंड गुड सोप ओपेरा एंड गुड फीलिंग एंड गुड थिंक अबाउट पोर्टेबल द क्रॉस काउंट्री स्किल वॉज प्रीति कूल एंड कुल्ड बी हिस्टोरिकल करेक्ट सीन्स इज डज डैट बैक ऑफ द गुड 4000 BC ऑफ 1600 ईयर्स एगो द कस्ट्यूम वेरी काइंड ऑफ कूल द स्क्रीन प्ले वॉज गुड द फिल्म नाइट डिजास्टर एंड 4 star इफ डिड नॉट हैव दैट अवेफुल अमेरिकन इंग्लिश विच वी हैव टू ब्लेम ऑन द नॉर्वेन डायरेक्टर नील्स गोप ऑल द एंड गुड थिंक अबाउट एंड गुड हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टीवी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नोबॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड ए कॉन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउनसाइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गेम आई प्ले ऑफ एक्सबॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन नोबॉडी एंड थिंग समथिंग लाइक that of the good movie for maybe rightful another epic and historical and good something lying of the many levels I have every 3 star and seems in and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw opt recommended and good got without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this good American English and Norway of the I have everything about time period and good think about very intelligent I have 12th February and good the last king 2 warrior Jacob Otto and Christopher Zoo must protect the last remaining and good throne and good civil war reigning and good the last king is action adventure drama history movie director by Neil of the in the middle as in the mind set of great civil war a monarch is the good when a monarch is the murdered two of the loyal soldiers must escape with the infant of the good and based upon of the Norway civil war when the good monster and loyal soldiers for this movie साल 2016 में रिलीज हुई द लास्ट किंग मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टोफर ह्यूज़ के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द लास्ट किंग मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द लास्ट किंग मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 39 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 39 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 61% लोगों ने लाइक किया
वो इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 12 फरवरी 2016 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्स गप्पू थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं द लास्ट किंग मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। द लास्ट किंग फॉर दिस एंड अनोदर एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी इन ए लॉन्ग टाइम मैग्निफिशेंट रेचिंग ओनली डिसअपॉइंटमेंट माई वाइफ एंड आई हैव टू इज दैट वी विश इज ऑन ए टीवी सीरीज देर वेरी ए फ्यू थिंक रॉन्ग एयर नो वन मैड ए सो नो मैन नो वन हैड ए स्नो बाल फाइट एंड ब्रश ऑफ ऑल द अमेरिकन डब्ड एक्सेंट वेरी आउट ऑफ पैलेस इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव यूज सब टाइटल्स इंस्टेंट इट वॉज ए गुड फिल्म एंड द बेबी वॉज ए लवली लिटिल एंड लैड द हिस्टोरिक इपिक इज द गुड किंग आई कौन ऑफ द गुड 27 ऑफ द गुड बिकनेरी लाइकली डेड ऑफ द पर्सोनिज एंड मिस्ट्रीज सन हैड ए राइट टू बी कमिंग किंग सो ए रेस इज ऑन द गैट इज सन द राइटफुल क्लेमेंट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिकनेस टू क्लेम द थ्रोन और बिफोर अदर क्लेम्स टू ब्रिकनेस वॉरियर हु एविडेंट द रिवोल बैगलर इन किंग एंड गुड स्टोन वेल ऑफ द साउथ ईस्टर्न नॉर्वे अटैम्प्ट टू कैप्चर एंड किल द चाइल्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग ए हॉट पुरशूट इज द माउंटेन स्नोबोर्ड विंटर कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम ए सिविल वार मैनेज टू रेस्क्यू हिम विथ हेल्प फ्रॉम वारियस लोयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग द चाइल्ड ऑफ बीकमिंग किंग हव ए कौन फॉर्थ एंड गुड ऑफ द ब्रिंग्स एंड यूनाइटेड एंड पीस ऑफ नॉर्वे एंड टैग इज द गोल्डन एज फॉर दिस एंड गुड द जनरेशन इफ यू हैपन टू बी एन ग्रेट नीड टू अनोदर इपिक हिस्टोरिकल इमेडियट टेल सेट इन नॉर्वे सेंस द इपिक बजट दिस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव द टू ईयर्स ओल्ड सक्सेस द डाउन साइड आल थ्रू द सीनसियर एंड वार्ड्रोब आर फाइन इट इज ऑब्वियस द ओवरऑल बजट इज लो ऑफ मैनी लेवल्स फॉर एंड गुड स्नो इज द चीप इन नॉर्वे द वर्स्ट ऑफ द ओवर डबिंग विच इज स्कैन ऑफ एशियन ओवर डब्ड फिल्म विच आर नॉट स्टॉप एंड रिकॉग्नाइजेशन वन वॉइस एक्टर फ्रॉम ए गेम आई प्ले ऑन एक्स बॉक्स एंड इज डिड नॉट नेल इट नो बॉडी रियली डज स्पेशली एन इमोशनल मूवमेंट द हाइट साइड देर आर थ्री एक्टर आई रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम रिसेंट टीवी शो गोट एंड द लास्ट किंगडम एंड वीकनेस द ट्राई स्पोर्टिंग एंड गुड ऑफ द बोर्ड एंजॉय फॉर दिस थ्री स्टार इज बींग जीनियस बट मैनुअली फॉर द इपिक स्केल आई वुड वॉच ए फिल्म ऑन द इंस्टेंट ऑफ दिस was seems to be try to cash is on the success of weakness and goat without the budget or storyline that is anything less than obvious and nice to see some well new actor from those series I feel like they have come down a bit in the world I could not find anything less to watch last night so is played an hour of so when I went to bed early with a sore throughout but I would recommend it useless you are bit bored and does hand of the eye expression of the good thing about consideration review that sold the be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have been picked right of the man as the USM an American accent may be great even perfect to be a gangster movie a western and various other American shitting but not a Nordic culture 13th century time period also some of the women dialogue sounded a little too and soap opera and example being the former queen Margaret and daughter Kristen talking to there is the bedroom our acting cry to good think about without tears and film industry accuracy on and good soap opera and good feeling and good think about portable the cross country skill was pretty cool and could be historical correct scenes is does that back of the good 4000 BC of 16,000 years ago the costume very kind of cool thus screenplay was good the film night disaster and 4-star if it did not have that awful American English which we have to blame on the Norwegian director Nils Gop all the and good think about and good
हिस्टोरिकल मेडिकल एंड गुड ऑफ द टीवी एंड गुड ऑफ बोर्ड एंजॉय एंड नो बॉडी रियली डज स्पेशली एंड इमोशनल ओवर एंड गुड ओवर डब्ड एंड है कौन बारकरी ऑफ द सम टाइम्स एंड डाउन साइड एंड गुड वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल एंड मेडिवल एंड गुड थिंक अबाउट बैंगलोर ऑफ द गुड एंड समथिंग एंड बेबी राइटफुल गेम आई प्ले ऑफ एक्स बॉक्स ओवरऑल बजट इज द गुड मैनी लेवल्स द वीकनेस ट्राई ऑफ देयर आर एक्टर रिकॉग्नाइजेशन है नो बॉडी एंड थिंग समथिंग लाइक दैट ऑफ द गुड मूवी फॉर बेबी राइटफुल अनोदर इपिक एंड हिस्टोरिकल एंड गुड समथिंग लाइक ऑफ द मैनी लेवल्स आई हैव एवरी थ्री स्टार एंड सीम्स and have to I expression lol is the good but manually and epic sore throw of the recommended and good goat without budget the storyline and good anything less of the observation I feel like they are come back of the good see I could not of the good performance this movie and good of the very intelligent consider you that sold as be longer the last king can be enjoyable due to the fact that is based on actually history the biggest negative is the language the actor and actress seem to have of the an American and good example for this